स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स। और दोस्तों से लिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर रोज पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज आता है और आज का चैलेंज ये है। ब्रिटेन की संसद में भारतीय संस्कृति की छाप भी इस बार नजर आई। इस बार भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। इन्हीं सांसदों में से एक हैं, लीसेस्टर से चुनी गई शिवानी राजा। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने विश्वास को अपने नए सफर को आधार बनाया। People of Leicester East, I am truly humbled and honored to be elected as your representative for Leicester East. His Majesty King Charles. गीता पर शपथ लेती ये हैं लेस्टर से कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा। तो क्या इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तानी यूके के अंदर आए। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तानियों के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कि ना तो फंडामेंटल राइट्स के में कहीं पूरा उतरता है। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि यूके में आने वाली जो नई लीडरशिप है उसके जो ताल्लुकात और दोनों कंट्रीज के इस सूरत में इंडिया और यूके के मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एक चीज और कि उन्होंने हमारे ऊपर हमारे से मतलब है क्योंकि हम एक साथ एक उसमें सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे हैं, अभी भी है, तो हमारे ऊपर 200 साल इन लोगों ने हुकूमत भी की है, इसमें भी कोई वो डाउट नहीं है। तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं लोगों का एक वो आता है बीच में, कहते यार अब तो आपकी बारी नहीं, आपका टाइम हो गया खत्म, अब हमारा टाइम है। लेकिन हमें सारी दुनिया ने बैन कर दिया और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो क्योंकि चाइना की तरफ होती जा रही है और हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को वो सजाएं देता जाएगा। कभी किसी तरीके तंग करेंगे, कभी किसी तरीके आपको जो है तंग किया जाएगा। यहाँ से बड़ी तादाद बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे मुल्कों में मुलाजमत करने के लिए जॉब्स, लेकिन वहाँ की ज्यादा जो जॉब्स हैं वो मजदूर टाइप जॉब्स हैं, यानी कि वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे चले जाते। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये खबर तो आपको पता ही होगी कि यूके के पार्लियामेंट में लगभग 29 भारतीय इस बार पार्लियामेंटेरियन यानी सांसद बने हैं और 29 में से बताया जा रहा है जो 27 है उनका रिलीजन जो है हिंदू है, दो में से एक सिख है शायद और एक ईसाई है, लेकिन वो भारतीय ओरिजन के हैं। टोटल 29 भारतीय ओरिजन के सेलेक्ट हुए जिसमें से आज एक ने शिवानी राजा नाम था उनका और उन्होंने गीता पे शपथ ले, क्योंकि यूके में ये फ्रीडम है कि आप चाहे जिस रिलीजन से हो उस रिलीजन का होली बुक धार्मिक बुक से आप शपथ लेंगे। तो शिवानी राजा मैम ने प्राउडली भगवद गीता पे शपथ लिया और वहाँ के लोगों का धन्यवाद दिया कि भाई उन्होंने मौका दिया उनको काम करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तो यूके की हैं तो वो तो यूके के डेवलपमेंट में योगदान देंगी, लेकिन पाकिस्तानी इसको देख के बहुत ज़्यादा जले हुए हैं। ये जो पार्लियामेंटेरियन थी इनके माता पिता गुजरात से थे लेकिन इनका जो जन्म है वो यूके में हुआ था, यूके में पली बड़ी है, यूके से इनका एजुकेशन है, यूके के माहौल में ही पली बड़ी है, भारत में तो वो क्या ही करेंगी। लेकिन भारतीय खुश हैं कि यार यूके के संसद में कोई गीता पे शपथ ले रहा है और पाकिस्तानी क्योंकि जलाने में माहिर है, दंगा करना हो, आग लगाना हो, इस्लाम के अलावा अगर कोई और रिलीजन इन्होंने किसी और देश में देख लिया तो इनकी तो आंखें फट जाती हैं। सेक्युलरिज्म नाम का चीज तो पाकिस्तानियों ने कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। भारतीय संस्कृति की झलक ब्रिटेन में भी देखने को मिली है। ब्रिटेन चुनाव में जीतने वाली महिला सांसद ने भगवद गीता के साथ शपथ ली है। ब्रिटेन की संसद सदस्यता की शपथ लेते वक्त उनके हाथ में भगवद गीता थी। भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में अपने भारतीय मूल्यों का परिचय दिया। शिवानी ने लिसेस्टर ईस्ट सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सो पाकिस्तान ने क्या इसको और यूके ने ये जो काम किया है ये बेसिकली तो हमारी इन्होंने इंसल्ट की है, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि मैं कल रात यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में जो वीडियो बना रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्वाड पार्टनर्स को होगा तो पूरी दुनिया प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी और हमें जो वो है बजाय इसके कि हमें हमारे लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पाकिस्तानियों को तंग किया जा रहा है। और ये वो पाकिस्तानी है जो यूके में रहते हैं, जो यूके में काम करते हैं, जो यूके के सिटीजन हैं, जो यूके के नेशनल हैं और वो अपनी जिंदगी जो है वो उसमें मुश्किल में है और सी थ्रेड में सी कैटेगरी में उन्होंने पाकिस्तान को रखा हुआ है और इंडिया को एम्बर में डाल दिया और ये अब और हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता वो ये क्या कर रहे हैं। अगर आपको याद हो जो बहुत सारे जो पाकिस्तानी डिसेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस यूके में हैं
जिसमें नाज शाह और बाकी जो है उन्होंने बड़ी बातें की वहां पे, और पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा, हेल्थ सेक्रेटरी से क्वेश्चन भी तलब करने की कोशिश की, यूके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रैंड शेफ से उन्होंने बात करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये क्यों आप कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हर पाकिस्तानी जो है उसको अब 2200-2300 जो पाउंड है वो देना पड़ेगा 10 दिन होटल में रहने का, और जो कि एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है और बड़ा अनोइंग है और बड़ी डिसरिस्पेक्ट है पाकिस्तानियों की, बड़ी एक डिसरिस्पेक्ट है कि एक पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से या पाकिस्तान के इस बिहेवियर की वजह से हमारे सिटीजन्स को ये करना पड़ता है, और हम कुछ इसके ऊपर रिलीफ भी नहीं ले सकते। जिस तरह की यूएई ने हमारे वीजा बैन कर दिए, सऊदी अरब ने कहा कि जी आप फलां वैक्सीन लगवा के आएंगे, जो कि हमारे लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल चैलेंज बन गया। बट एनी हो, आई थिंक स्टेट को इस पर सोचना चाहिए, ये जो यूके फैसले कर रहा है, यूएई फैसले कर रहा है, यूएई हमसे डरता है कि ये ना हो कि कोई पाकिस्तानी यूएई पहुंच के तो कोई इसराइलियों को कोई मारने की कोशिश करें या कोई इस तरह का हमला कर दे, तो लोग हमसे डर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारी पॉलिसी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि एक तो अवाम को ऑन बोर्ड लें कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे तो अवाम को पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया, और ये सारा टाइम हम जो चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते रहते हैं, नई जो पोलिटिकल लीडरशिप है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कि वो हमारी सुने या ना सुने वो अलहदा बात है, लेकिन जो अच्छे ताल्लुकात हम सारा टाइम कहते रहते हैं वो हमें बाद में पता चलता है कि इन मुल्कों की पॉलिसी इस तरह की। बट दिस इज वेरी सैड इंसिडेंट। आप मगरब का पैसा तो चाहते हैं लेकिन मगरब के खिलाफ हम बातें भी करते हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के और यूके के अपने ताल्लुकात हैं, और इसकी बेस के ऊपर हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर इंडिया के किसी मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक है तो जरूरी नहीं हम भी उसी वो ताल्लुकात हमारे साथ भी उसी तरह रह सकें, या हमारी कोई इतनी कैपेसिटी हो या हमारी इकोनॉमी उस तरह हो। इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, लेकिन इंग्लैंड और यूके के ताल्लुकात तो हमें उसको कंपेयर करना जी पाक यूके ताल्लुकात से, ये मेरा ख्याल है नाइंसाफी होगी, और हमारी पॉलिटिकल एलीट को इसको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान की जो ग्लोबल आइसोलेशन है वो नजर आ रही है, और ग्लोबल आइसोलेशन इस तरह नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि जी के हम कोई इस तरह के काम कर रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, और अबव ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के करीब होता जा रहा है, और जो एक्सप्लिसिट एंड एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर कि जनाब चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम चाइना के साथ बातें अंदर बैठ के करते हैं, हाँ हम अमरीका को मैंने एब्सोल्युटली नो कर दिया कि जो टूरिज्म मुस्लिम वर्ल्ड से आनी चाहिए, इंडिया जो है उसके साथ हम हर वक्त अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो बैलेंस की बात हम करते हैं या वो जो रिलेशनशिप को बैलेंस करने की बात करते हैं इंडिया के साथ, अब वो नहीं है, और मगर और अमेरिका और यूरोप की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के साथ और जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल एक नई जहत पे पहुंच चुके हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसको जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि एक ऐसी लीडरशिप चाहिए और ऐसे कंसेंसस फैसले होने चाहिए जिसमें अगर पाकिस्तान चाइना की तरफ अपनी डायरेक्शन मोड़ रहा है या चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है या एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही है, उसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए। और फिर आप ये बातें ना करें जिस तरह आप बातें करते हैं व्हेन इट कम्स टू अमेरिका के बारे में बातें करते हैं। हमने बैलेंस करना है तो फिर बैलेंस रखने के लिए हमें अपने आप को उस तरह का बिहेवियर भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, रियासत का मूड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया एक प्रॉपर चेंज लेके आनी पड़ेगी। और हो गया ना, बदला ले लिया और बिना बिना खून बहाए बिना किसी को, बिल्कुल देखिए दुनिया इस तरफ जा रही है फकर भाई। जब अमेरिका में जो है वो देखिए, अमेरिका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जी। कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आकर के, आप केनिया से भी हो तो लोग आपको अपना लीडर मानने को तैयार है, ये छोटी चीजें नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना, क्या आप केनिया से आए और लोग आपको अपना मानने को तैयार है, हमें लीड कर, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अगर विवेक रामास्वामी जी बहुत एक फ्रंट कैंडिडेट के रूप में उभरे हैं आज की डेट में यूएस के अंदर में, तो वो विवेक रामास्वामी जी की खास बात नहीं है, वो उस लोगों की मानसिकता की खास बात है कि वो इतनी प्लुरल आइडिया को सीख चुके हैं। और इंडिया में ये शुरू से था। देखिए आप हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी आई, इटली से आई और रूल किया बकायदा उन्होंने भाई, इटली से आई और उन्होंने 10 साल की एकदम जो है बड़ी पावरफुल हुकूमत चलाई और बहुत पावरफुल उनकी सरकार थी, और एटलीस्ट सोनिया जी तो बहुत पावरफुल थी, कोई इंडियन तो है नहीं। तो हमारे यहाँ दुनिया देखिए इसी तरफ जा रही है,
दुनिया कॉमन ह्यूमैनिटी की तरफ जा रही है। ये स्टेट वाला जो आइडिया है ना, ये तो रहेगा, मगर स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो गए कॉर्पोरेट्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये राज करेंगे आज की डेट में। फकर भाई, हमारा आपका गूगल बंद कर लिया जाए तो हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगे अब हम, ठीक है ना। लैपटॉप छीन लिए जाए तो आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी में रिसर्च बंद, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अगर विंडोज हट जाए तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अब करना क्या, क्योंकि हमने अपने इस बच्चों को पेन से ज्यादा तो कीबोर्ड सिखा दिया है। एंड्रॉइड हट जाए तो मोबाइल नहीं चलेंगे तो हमें आपको गश आने लगेगा भाई, मुझे तो मिर्गी आने लगेगी अगर मेरे हाथ से मोबाइल चली जाए तो। दोस्तों, आपको भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति कहीं भी दिख जाए वो अपने आप को प्राउडली एक सनातनी, एक हिंदू बताता हुआ नजर आता है और गर्व से इसलिए कहता है क्योंकि आप कभी नहीं देखेंगे किसी सड़क पे एक हिंदू पत्थर मार रहा हो, आप कभी नहीं देखेंगे कि सड़क पे आग लगा रहा हो एक हिंदू किसी दूसरे देश में जाके, आप ये नहीं देखेंगे कि रोडों पे ड्रामेबाजियां कर रहा हो हिंदू, नहीं, आप ये नहीं देखेंगे कि किसी चलते फिरते माहौल बाजार को पूरा लाउड स्पीकर लगा के पूरा माहौल ही खराब कर दिया, ये सब आप कभी भी हिंदू सनातन कम्युनिटी में नहीं देखोगे। इसीलिए हर बंदा जो हिंदू ओरिजिन का होता है, इंडियन ओरिजिन का होता है, वो प्राउडली कहता है हाँ मैं हिंदू, जैसे ऋषि सुनक साहब हो गए, ठीक है, कोई शर्म नहीं आती। लेकिन आपको पता ही है फिर फ्रांस में दंगे हो रहे, कौन कर रहा है, यूके में सड़कों पे कौन सो रहा है, ठीक, बैन कौन हो रहा है हर जगह, वो सब आपको। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो बहुत ही मजेदार थी, आपने जो भी क्लिप देखी दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाय ले रहे, मिलेंगे और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।